बकरी का इलाज और देखभाल, इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बकरी के बच्चे को इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। वो इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर हम आपको लगाना बताएंगे। अगर जो जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, वो बातें अगर आप नोट कर लेंगे तो बकरी के बच्चे को आराम से इंजेक्शन लगाएंगे बिना किसी तकलीफ के। ये जो बच्चा हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके पेट में थोड़ा सा पानी बोल रहा है और हमारे जो भाई है उन्होंने चेक किया है कि लेफ्ट हैंड साइड में, बाई साइड में पानी बोल रहा है, राइट साइड में नहीं है। इसका मतलब इसको एसिडोसिस हुआ है, कोई ना कोई प्रकार की अलग अटपटी चीज़, अनाज या कुछ और ऐसा कुछ अटपटा खिला दिया है, उसकी वजह से समस्या हुई है। जब हमने ओनर से पूछा तो उन्होंने बता भी दिया कि हमने दो तीन दिन से बकरी के लिए जो गेहूं का दलिया होता है वो हम इसे खिला रहे हैं और उसी की वजह से इसको एसिडोसिस हो गया है। अब छोटा बच्चा है तो पाइप लगा करके निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको पाइप लगा के निकालेंगे नहीं, इंजेक्शन वगैरह गोलियां वगैरह दे करके इसको ठीक करेंगे। तो इंजेक्शन लगाने के लिए आप देखिए, बकरे को इस प्रकार से दोनों साइड में पैर करके पकड़ लिया है। ये 5 ml की सिरेंज और 20 नंबर की निडल जो आपको दिखाई जा रही है, 20 नंबर की, याद रखें 20 नंबर की निडल, वो भी आधा इंची की, यही निडल हमें बकरियों में काम में लेनी है। तो भाई ने दोनों साइड पैर करके इसको पकड़ लिया है, छोटे छोटे जो सींग अभी आ रहे हैं वहाँ से पकड़ लिया है और इधर ये CPM इंजेक्शन भरा जा रहा है। तो CPM इंजेक्शन इसको 2 ml लगाएंगे। CPM जो क्लोरफिनरमाइन मेलिएट का आता है, एलर्जी के लिए लगाया जाता है, कोई भी प्रकार की हिस्टामिन सिक्रेट ना हो इसके लिए लगाया जाता है। और साथ में इन्होंने बी कॉम्प्लेक्स मिला लिया, यानी बी कॉम्प्लेक्स और CPM आप साथ मिला सकते हैं, जैसा कि इन्होंने 2-2 ml साथ में मिला दिया है। अब इस बकरे के देखिए एक साइड, अब देखिए इस साइड में यहाँ पे जो गर्दन वाली जगह है, जैसे बड़े बकरियों में लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, थोड़ा ध्यान रखना है, ये जगह निर्धारित कर दी और आराम से अंदर डाल दिया इंजेक्शन। ये जो आधा इंची का होता है उसमें से थोड़ा सा बाहर रखना होता है, बाकी पूरा अंदर चला जाएगा। और आराम से जब आप इंजेक्शन लगाएं तो अंगुली जरूर उस निडल के साथ में रखें ताकि निडल मुड़े नहीं और आराम से एकदम से अंदर चली जाए। अब जब इंजेक्शन लग गया तो अच्छी तरह से थोड़ी सी मालिश करवा देंगे, रबिंग करवा देंगे ताकि कोई भी प्रकार की समस्या ना हो और इंजेक्शन जो है वो एक जगह दवाई इकट्ठा ना हो। वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक इंजेक्शन इसको लगाया जा चुका था जो था केटोप्रोफेन, यानी दर्द सूजन और बुखार के लिए, पेट दर्द के लिए जो लगाते हैं वो, और अब जो लगा रहे हैं वो है एट्रोपिन सल्फेट। अभी एट्रोपिन सल्फेट इसको 1.5 या 2 ml लगाएंगे। तो एट्रोपिन सल्फेट जिस साइड में हमने बी कॉम्प्लेक्स और CPM लगाया उसकी उल्टी साइड में लगा देंगे। ये जो जगह अब देखिए, इसमें जगह नीचे होती है, कई बार नीचे लगाते थे वो थोड़ी तकलीफ करती है, जैसे कि देखिए ये जगह है, अब ये जगह सही नहीं है, आगे ये भी जगह सही नहीं है, आप थोड़ा सा ऊपर लगाएं, ये देखिए यहाँ पे इंट्रामस्कुलर आराम से चला जाएगा, थोड़ी सी निडल बाहर रखनी है बाकी पूरी अंदर चली जाएगी। ये इस प्रकार से बकरी के बच्चे को आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। कई भाई लोग जो है वो पैरों में भी लगाते हैं, लेकिन पैर के जो मसल्स हैं उसमें कई प्रकार की नसें होती है, कई बार दिक्कत होने की संभावना रहती है, तो आप गर्दन में लगाएं। अगर 3 इंजेक्शन से आप ज़्यादा लगा रहे हैं तो उसको ड्रिप लगा दें, यानी फ्लूड थेरेपी दे दें। इसमें फ्लूड थेरेपी भी देते हैं लेकिन ज़्यादा तकलीफ नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इंजेक्शन से ही काम चला रहे हैं। और साथ में ये गोलियाँ दे दी, ये जो गोली आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये पेट में जो भी एसिडोसिस हुआ है उसको दूर करने के लिए है, और आधी आधी टेबलेट हम उसको दिलवा देंगे, जो बोलस आती है आधी आधी दिलवा देंगे, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा।